हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, हैप्पी फॉर्गिंग्स लिमिटेड का जी एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है, जाने से कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फिनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी, लिस्टिंग कितना मिलेगा, प्राइसमेंट कितना चल रहा है, इसके रिस्क पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, रिस्क इसमें क्या हो सकता है और अप्लाई करें या फिर अवॉइड करें, कंप्लीट एनालिसिस आज इस वीडियो में लोग डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, कंपनी का पूरा नाम है हैप्पी फॉर्गिंग्स लिमिटेड। अगर हम इसके बिजनेस की बात करें, ये वन ऑफ द फोर्थ लार्जेस्ट इंजीनियर्ड एलईडी मैन्युफैक्चरर है, कॉम्प्लेक्स और सेफ्टी क्रिटिकल हेवी फॉर्ज्ड और हाई प्रिसीजन मशीन कंपोनेंट्स का फोर्थ लार्जेस्ट इंजीनियरिंग एलईडी मैन्युफैक्चरर है। और इसके यहाँ पे देखिएगा, इसके वर्टिकली इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस के थ्रू कंपनी जो है इंजीनियरिंग प्रोसेस डिज़ाइन, टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करती है एक वैरायटी ऑफ कंपोनेंट्स का, जो कि मार्जिन एक्रेटिव और वैल्यू एडिटिव दोनों के साथ जो है यहाँ पे मतलब कंपनी जैसे ये सभी तरह की इंजीनियरिंग प्रोसेस डिज़ाइन, टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करता है। इस कंपनी को मतलब कि इंगेज है, बिजनेस कर रही है और प्रोडक्ट कंपनी जो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का जैसे क्रैंक शाफ्ट्स, फ्रंट एक्सल बीम्स, स्टीयरिंग नकल्स, डिफरेंशियल केसेस और ट्रांसमिशन पार्ट्स, पिनियन शाफ्ट्स और सस्पेंशन प्रोडक्ट्स, वाल्व बॉडीज जो है सो इन सभी का जो सो वाइड रेंज, वाइड वैरायटी प्रोडक्ट्स, ये सभी तरह के प्रोडक्ट्स है जो कि प्रोड्यूस करता है कंपनी, जो कि केटर करता है अलग अलग इंडस्ट्रीज और कस्टमर्स को केटर करती है। और कंपनी का एक एक्सटेंसिव कस्टमर बेस है जो इसमें इंक्लूड है वेल नोन नेम्स, यहाँ पे AAM इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, अशोक लीलैंड लिमिटेड, बॉनफिग्लियोली ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड, दैना इंडिया, IBCC इंडस्ट्रीज, फिर इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड है, JCB इंडिया लिमिटेड है, लाइबर, CMC टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, मेरिटोर, HVS AB, मेरिटोर हैवी व्हीकल सिस्टम्स, कैमेरी SPA, SML ICJU लिमिटेड, स्वराज इंजन्स, सेम ड्यूज फायर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, टाटा कमिंस प्राइवेट लिमिटेड, वॉटसन एंड कैलिन प्राइवेट लिमिटेड और जो कि हेंड्रिक्सन इंडिया कॉमर्शियल व्हीकल सिस्टम्स और यनमार इंजन मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, इस तरह की ये सभी वेल नोन कंपनीज है जो कि इसके कस्टमर्स, एक्सटेंसिव कस्टमर बेस है। वहीं अगर ओवर द ईयर्स कंपनी जो है अराउंड कस्टमर्स को अलग अलग रीजन्स में जो कि इंक्लूड है ब्राज़ील, इटली, जापान, स्पेन, स्वीडन, थाईलैंड, टर्की, UK, USA जैसे अलग अलग रीजन्स में कंपनी जो है इनके पास कस्टमर्स आते हैं, इन सभी रीजन से कंपनी के पास कस्टमर्स आते हैं जो कि सक्सेसफुली सर्व कर चुकी है। कंपनी के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है जिसमें से 2 है कंगनवाल और 1 है डुगरी में, जो कि सभी लुधियाना पंजाब में इसके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। तीनों मैन्युफैक्चरिंग लुधियाना पंजाब में है, जो कि 2 है कंगनवाल में और 1 है डुगरी में। और कंपनी का जो प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चर करता है गाइस, इस तरह की प्रोडक्ट्स देख सकते हैं कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, ये सभी तरह की प्रोडक्ट्स है जो कि आप इमेज में देख सकते हैं प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है। वहीं अगर हम फिनेंशियल की बात करें तो कंपनी से पहले कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो फोर्थ लार्जेस्ट इंजीनियरिंग लेड मैन्युफैक्चरर है, कॉम्प्लेक्स और सेफ्टी क्रिटिकल हैवी फॉर्ज और हाई प्रिसीजन मशीन कंपोनेंट्स का इंडिया में, और इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन से कपल्ड है जो कि इन हाउस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डिज़ाइन कैपेबिलिटीज है, डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है, लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप बना रखी है कस्टमर्स के साथ इंडस्ट्रीज में, हर एक तरह की इंडस्ट्रीज में, ट्रैक रिकॉर्ड भी देखिए तो कंसिस्टेंसली देखने को मिला, बिल्ड कर चुका है कैपेबिलिटीज को और इंफ्रास्ट्रक्चर को और फोकस किया था कैपिटल एफिशिएंसी में, ट्रैक रिकॉर्ड भी हेल्दी फिनेंशियल परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही हेल्दी देखने को मिला है और कितना है मैं आपको आगे बताऊंगा इसके फिनेंशियल में क्या है। और इसके प्रमोटर्स हैं परितोष कुमार, आशीष गर्ग, मेगा गर्ग, आयुष कैपिटल एंड फिनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, गर्ग फैमिली ट्रस्ट, परितोष कुमार गर्ग HUF और आशीष गर्ग एसेंशंस HUF। फिनेंशियल्स की बात करें जो कि कंसोलिडेटेड है, 22 में अगर देखिए तो 866 करोड़ का रेवेन्यू है, प्रॉफिट है 142.2 करोड़ का, 23 में 1202.72 करोड़ का रेवेन्यू है, प्रॉफिट है 208.7 करोड़ का, तो 22 कंपैरिजन में 23 में कंपनी बहुत अच्छी ग्रोथ हुआ है। यहाँ पे फिनेंशियल देखा जाए तो बहुत स्टेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला है, 21 में भी इसका रेवेन्यू जो है 590.8 करोड़ का था और प्रॉफिट था 86.4 करोड़ का, जो कि 21 के कंपैरिजन में कंपनी बहुत अच्छी ग्रोथ हुआ। और फर्स्ट हाफ 24 रिसेंट अगर देखिएगा 675.7 करोड़ का रेवेन्यू है और प्रॉफिट है 119.3 करोड़ का। तो गाइस, कंपनी का टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों यहाँ पे 21, 22, 23 में बहुत अच्छी ग्रोथ हुआ, स्टेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला है फिनेंशियल परफॉर्मेंस में।
अगर हम इसके रेशियोज़ की बात करें तो आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी 21.12% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आरओसी 24.24% का, ईपीएस 23.32 रुपीज़ का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 21.12% का। तो इसका रेशियोज़ वगैरह बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखने को मिल रहा है। अगर हम इसके कुछ रिस्की पॉइंट्स की बात करें, बिजनेस डिपेंडेंट है कॉमर्शियल व्हीकल्स फार्म इक्विपमेंट और ऑफ हाईवे व्हीकल्स इंडस्ट्रीज जो है इंडिया में या एब्रॉड में, उस पर उसके परफॉर्मेंस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। सस्टेंशियल कैपिटल एक्सपेंस और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का नीड है और बिजनेस और प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पे जो है सस्टेंशियली डिपेंडेंट है स्टील के कॉस्ट या अवेलेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। सस्टेंशियल पोर्शन ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है क्रैंकशाफ्ट के सेल पर और काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क होने का खतरा हो सकता है। हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में ऑपरेट किया जा रहा है। यहाँ पर स्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स लगाया जाता है क्वालिटी और डिलीवरी के लिए और एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन के कारण कंपनी के बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ सकता है। वहीं अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के ऑब्जेक्ट का तो यहाँ पे कंपनी इक्विपमेंट प्लांट मशीनरी के परचेज के लिए आईपीओ लाया गया है। लोन से इसका प्री पेमेंट करना चाह रही है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए आईपीओ है। इसके जो कॉम्पिटिटर है पीयर कंपैरिजन भारत फोर्ज है, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन लिमिटेड, रामकृष्ण फॉर्गिंग्स, फिर सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन जो कि सोना कॉमस्टार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनी जिसकी कॉम्पिटिटर है। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 88.24% का, पोस्ट इशू 78.6% की होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। लीड मैन ये लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रार है। लीड मैनेजर है जीएम फिनांशियल लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, इक्विरस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड इसके लीड मैनेजर है। और अगर हम इसके कंपनी के डिटेल्स की बात करें डेट्स वगैरह तो यहाँ पे देखिएगा तो कंपनी जो है 19 से 21 दिसंबर तक ओपन रहेगा। 3 डे आईपीओ है, बुक बिल्ड इशू आईपीओ और 1008.5 करोड़ का फंड रेज किया जा रहा है। 1,18,65,802 शेयर्स का इशू करके जो कि कॉम्बिनेशन है फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल का। फ्रेश इशू में 400 करोड़ का फंड रेज किया जा रहा है 47,05,882 शेयर्स का इशू करके और ऑफर फॉर सेल है 608.59 करोड़ का जो कि 71,59,920 शेयर्स का इशू किया जा रहा है। 2 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 808 to 850 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 17 शेयर्स की लॉट साइज, बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टेड होने जा रही है। क्यूआईबी ऑफर दिया गया 50%, एचएनआई 15%, रिटेल 35% का ऑफर दिया गया है। डेट्स अगर देखिएगा तो 22 दिसंबर को अलॉटमेंट डेट रखा गया। रिफंड्स और शेयर्स डिमैट अकाउंट में जो क्रेडिट होगा 26 दिसंबर का डेट रखा गया है। 27 को लिस्टिंग डेट रखा गया है। अमाउंट 14,450 रुपीज़ का मिनिमम पे करना है। तो ओवरऑल कंपनी के बारे में बात करें तो ये जो कंपनी है लीडिंग और लार्जेस्ट क्रिटिकल कॉम्प्लेक्स एंड प्रिसिशन मशीन कंपोनेंट्स है वैरिड इंडस्ट्रीज के लिए और ये प्रोडक्ट्स को रिनोन्ड ग्लोबल ओईएम को जैसे सप्लाई करता है, प्रोडक्ट सप्लाई कर चुका है जो कि मैंने क्लाइंट्स में बात किया कौन कौन से क्लाइंट्स इसके हैं। टॉप एंड बॉटम लाइन स्टेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला है। अर्निंग के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड रीजनेबल रखा गया, बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं, रीजनेबल प्राइस इसके आईपीओ लाई गई है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसकी लिस्टिंग की बात करें तो गाइस प्राइस बैंड 850 रुपीज़ का, 410 का जीएमपी ट्रेंड कर रहा है, 1260 पे लिस्टिंग होने के चांस है और 48% की लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन मिल रहा है गाइस, तो आप लिस्टिंग के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।